अस्सलाम वालेकुम जी। केएससी 100 इंडेक्स की देख लेते हैं हम आज की परफॉर्मेंस कैसी रही है। 100 इंडेक्स ने ग्रीन ओपन किया था तकरीबन 559 पॉइंट्स इंट्राडे में हाई गया है और उसके बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो -85 पे दी है। प्राइस एक्सपेक्टेशन जो आज का था वो फेयरली एक्सपेक्टेड था क्योंकि मार्केट ओवर बॉट में ट्रेड हो रही है और जो इसका बोलिंजर का हमारे पास टारगेट डेली चार्ट्स का था वो मार्केट अचीव कर चुकी है। सो अगर हम चार्ट देखें तो मार्केट ने आज की जो कैंडल स्टिक ड्रॉ की है दैट इज अ लिटिल बिट एंटी बुलिश। शूटिंग स्टार तकरीबन ड्रा करने की मार्केट ने कोशिश की है और क्योंकि अब ट्रेंड में ऐसी कैंडल स्टिक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रेज करती है। मार्केट ऐसे क्यों कर रही है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। RSI का अगर ट्रेंड हम देखें तो वो डाउन में आ रहा है और आज कंपेरेटिवली उसने 2 पॉइंट शेड कर दिए। सो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रही है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा और काफ़ी टाइम से अब ट्रेंड में है। और आज कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देख लेंगे कि लास्ट टाइम मार्केट ने ऐसा जब रिएक्शन किया था तो मार्केट में कमिंग वीक्स जो थे उनमें ट्रेंड कैसा रहा था। सो अगर हम चार्ट्स की बात करें और एक्सपेक्टेड लेवल्स देखें तो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी मार्केट के पास है वो 38,800 के लेवल पे है। 20 डेज मूविंग एवरेज जहाँ पे है मार्केट फेयरली सपोर्ट यहाँ से ले सकती है। उससे पहले मार्केट के पास जो शॉर्ट टर्म में हम अगर बात करें तो 40,400 का जो लेवल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। 40,000 का और 40,400 के लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो आपका हाइएस्ट था मार्केट ने जब बूम किया था उससे लेकर रीसेंट लोज अगर हम देखें तो तकरीबन 50% पे मार्केट ट्रेड कर रही है। सो 40,000 इज़ एक्चुअली द 50% रिट्रेसमेंट लेवल जहां पे मार्केट जो है वो ट्रेड अभी कर रही है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट कि मार्केट उसके से ऊपर कैसे जाती है। ऑप्टिमल ये है कि मार्केट थोड़ा वॉल्यूम जनरेट करती रहे, पॉइंट स्कोरिंग की तरफ ना जाए, RSI थोड़ा सा ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, अवर बॉट से निकल आए तो तभी हम कोई एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड पे। अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें तो बेस्ड ऑन बोलिंजर बैंड्स मार्केट अपना टारगेट अचीव कर चुकी है और लेकिन अभी भी RSI में वी डू हैव सम रूम अवेलेबल। 67 पे ट्रेड कर रही है तो वीकली बेसिस पे अभी तक मार्केट अवर बॉट नहीं हुई, मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट जो है अपना जो अभी तक इसने हाई लगाया है दोबारा मार्केट इसको क्लेम करने की कोशिश कर सकती है। उसके बाद अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताऊँ तो मार्केट का बिहेवियर जो 200 मूविंग एवरेज है हमारी उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट ने बिहेवियर हमें दिया था लास्ट टाइम पे। अगर आप ये जोन देखें तो लास्ट टाइम जब मार्केट ने 200 वीक्स की मूविंग एवरेज को टच किया था उसके बाद मार्केट तकरीबन 3 वीक्स तक जो है वो कंसोलिडेट हुई थी देन गोइंग इनटू द बुलिश जोन। अगर अभी हम देखें तो कल जो सेशन हुआ था मार्केट ने उसने में दोबारा जो है 200 वीक्स की जो मूविंग एवरेज है उसे रिक्लेम कर लिया है। तो इफ़ हिस्ट्री इज़ टू रिपीट इटसेल्फ तो वी कैन सी फेयरली गुड अमाउंट ऑफ करेक्शन इन द मार्केट। लेकिन प्राइस इज़ द ओनली गुरु इन द मार्केट तो प्राइस सेक्शन विल डिसाइड कि आगे मार्केट किस तरफ जाएगी। मार्केट अगर तो क्लोज होती है अपनी 200 वीक्स की मूविंग एवरेज से ऊपर देन वी विल बी इन अ गुड पोजीशन। बट अगेन वॉल्यूम्स जनरेट होते रहें, पॉइंट स्कोरिंग की तरफ अगर ना जाए तो तब हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है रूम अवेलेबल है। वीकली बेसिस पे हमारी जो रीसेंट सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 35,000 पे है, वीकली बेसिस पे है ये 35,000 पे डाउन साइड पे है जहाँ 20 वीक्स हैं और 10 वीक्स जहाँ पे हैं वो तकरीबन 37 पे है। मंथली बेसिस की बात कर लेते हैं और 40,000 का जो जोन बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है उसकी रीज़न भी देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास वो क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर हम बात करें वीकली मंथली बेसिस पे तो मार्केट इज़ अबाउट टू गो फॉर 43। मार्केट ने ओपन कर लिया है 43,600 का लेवल और RSI भी 54 पे है, दैट इज़ इन अ गुड पोजीशन। सो मंथली इज़ अ लॉन्ग रन गेम।
इट्स द गेम ऑफ द पेशेंस। अगर आप पेशेंट हैं तो मार्केट जो है सून मंथली लेवल्स पे बाय सिग्नल करेगी। पैराबॉलिक इसका जो है वो तकरीबन हमारे पास इस जोन में बन रहा है 41,900 में। तो अगर मार्केट जब मंथली इसको क्लोज कर देगी इससे ऊपर, तो वी विल हैव अ पैराबॉलिक बाय सिग्नल ऑन द मंथली फ्रंट एज वेल। 40,700 का लेवल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है वो क्यों डिस्कस हो रहा है, उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट मी मेक थिंग्स अ बिट क्लियर। उसकी सिंपल सी रीज़न एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और जिससे सब बहुत ज़्यादा परेशान है कि इससे आगे क्या होगा। सो ये डाउन ट्रेंड लाइन है जो मार्केट को प्रेस कर रही है नीचे की तरफ। ये लास्ट हाई लगा था जो 53 का अपना 2017 में, उसके बाद मार्केट ने डाउन आई है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इश्यूज आए थे जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया। वहाँ से जब दोबारा मार्केट ने गेन किया है, तो अब हमारे पास चैलेंज ये है कि इफ वी बिलीव इन द मार्केट ट्रिग्नोमेट्रीज, तो जो डाउन ट्रेंडिंग लाइन आ रही है जो आपकी एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो से आ रही है, और अगर हम 2019 के क्रैश सॉरी 2009 के क्रैश से देखें, तो ये एक अप ट्रेंड जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मार्केट इन दोनों लाइंस को रिस्पेक्ट करे। अगर तो हमारे पास एक मंथली क्लोजिंग इस डाउन ट्रेंड लाइन जो है इससे ऊपर आ जाती है, दैट इज रफली समवेयर एट 41,900, या ये यहाँ पे बन जाएगी 41,400 से ऊपर जो है ना एक अच्छी क्लोजिंग बन जाएगी। तो मार्केट कंसोलिडेट हो गए अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो विल अगेन सी अ वेरी ब्रिलियंट बुल रन। दैट वुड बी ऑल फॉर द टुडेज अपडेट। इफ यू लाइक इट प्लीज अप्रिशिएट द एफर्ट, डू लाइक द वीडियो एंड वी विल ट्राई टू कीप यू पोस्टेड ऑन डेली बेसिस कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है और मार्केट के एक्सपेक्टेड लेवल्स जो आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं। नो वन इज़ गुरु इन द मार्केट, प्राइस इज द ओनली गुरु। सो बी अ बिट विजिलेंट इन द कमिंग डेज। मार्केट वॉलटाइल हो सकती है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलटाइल हो सकती है। सो रिस्क मैनेज करें अपना, इंटेलिजेंटली काम करें। मार्केट को जब तक मार्केट जो है ना अपना 20 डेज की मूविंग एवरेज नहीं तोड़ती, तब तक मार्केट को कोई मसला नहीं है। मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है, उसकी रीज़न अवर बॉट रीजन्स हैं। उसके अलावा मार्केट को एज सच टेक्निकली कोई मार्केट का जो बुल रन है उसे इश्यू नहीं है। सेकेंडली हम अपडेट के अलावा ये है कि वी विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दीज फ्रंट्स, कि जहाँ पे हम डिस्कस कर लें टेक्निकल्स और आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें अपने बाइंग डिसीजन में, आवाज़ का इंतज़ार ना करें, ग्रुप अलर्ट्स का आपको मसला ना हो। सिंपली आप अपना टेक्निकल एनालिसिस अपने जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं उनका खुद कर सकें। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, वी विल ट्राई कि हम उस पर भी बहुत आम फेम आसान लफ्ज़ों में उन बहुत सारे फैंसी टूल्स को डिस्कस करें कि जिनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एंड दैट विल मेक योर ट्रेडिंग मच ईजियर। थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट अगेन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।